नंदिनी सत्यपति वर्सेस पीएल दानी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 20-3 का जो स्कोप है उस पर गहनता से विचार किया। नंदिनी सत्यपति उड़ीसा की भूतपूर्व मुख्यमंत्री थी और उस पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, और उन्हीं आरोपों के चलते पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए ले गई और उनसे लिखित में कुछ प्रश्नों के जवाब मांगे। नंदिनी सत्यपति ने उन प्रश्नों के उत्तर देने से मना कर दिया। जब उसने उन प्रश्नों के उत्तर देने से मना किया तो उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 179 के तहत उन पर केस दर्ज कर दिया गया। इसके खिलाफ वो कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 20-3 जो है अनुच्छेद उस पर उसके बारे में डिस्कस करते हुए बताया कि इसमें केवल 20-3 का जो प्रोटेक्शन है केवल न्यायालय में ही नहीं, अभियुक्त का जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन या उससे पूछताछ कर रही होती है तब भी अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161(2) में भी वो प्रोटेक्शन है। किसी भी अभियुक्त को ये अधिकार है कि वो ऐसे किसी भी प्रश्न का उत्तर ना दे जिससे कि उसके खुद के उस अपराध में संलिप्त होने की बात निकलती हो, या ऐसी भी कोई बात क्वेश्चन का वो उत्तर देने से मना कर सकता है जिससे वो किसी और अपराध में संलिप्त होने की उसकी जानकारी उससे निकलती हो, और उस पर केवल सिंपल कोई क्वेश्चन अगर पुलिस पूछती है तो उसको दबाव नहीं माना जाएगा सादे जो कोई भी क्वेश्चन है। लेकिन अगर उस पर केवल फिजिकल दबाव की ही बात नहीं होती, कई बार मेंटल दबाव या ऐसे क्वेश्चन जिससे कि मानसिक रूप से उसकी प्रताड़ना होती हो, उन सब तरह के दबावों को इसमें दबाव माना गया है अनुच्छेद 20-3 में। और पीएल दानी नंदिनी सत्यपति वर्सेस पीएल दानी का केस एक महत्वपूर्ण केस है जिसमें सेल्फ इनक्रिमिनेशन का जो प्रोटेक्शन किस लेवल तक है वो उसमें बताया गया है।